हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आपसे भी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बहुत से भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि हमें ऑटो के लिए कौन सी कंपनी का और कितने ग्रेड का हमें ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कमेंट पर ही हम वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे ना रोड की अंडरपास की तैयारी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे काम थोड़ा डाउन सा चला हुआ है। तो इसलिए वीडियो भी आपको कम ही देखने को मिले, क्योंकि काम हमने कहीं और पे शिफ्ट किया गया और शॉप यहाँ पर है। तो भी इस चैनल पर हम जेन्युइन ही कंटेंट लेकर आते हैं और जेन्युइन ही वीडियो बनाते हैं भाई, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो भी ड्राइवर भाई मिस गाइड होते हैं, पर आप वीडियो को शेयर करना भाई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है माइको ऑटो टर्बो से 15W40 ऑयल, जो कि इंजन ऑयल है API CH4 SGS 3 लीटर की। इसकी ये ग्रेड होती है भाई API CH4 SG की ग्रेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता भाई हमारा HP लुब्रिकेंट, जो कि 20W50 API SL है भाई। आप देख लेना, यहाँ पर API CGF 4 था, यहाँ पर API SL है। इसको आपको मैं लास्ट में क्लियर करूँगा क्या क्या है भाई। और ये भी हमारा कैस्ट्रोल GTX 20W50 फोर पेट्रोल इंजन एंड LPG व्हीकल इंजन ऑयल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा गया अभी फोर पेट्रोल इंजन एंड LPG व्हीकल इंजन ऑयल, ठीक है। उसके बाद हमारा, इसको सभी जानते हैं भाई, सर्वो गैस इंजन ऑयल 20W50 API CF, यहाँ पे देखो CF SF CF SF CF, ठीक है, और 3 लीटर से 20W50। उसके बाद भैया हम यहाँ पर बात करते हैं माइको का ही ऑयल आ गया CNG SA 20W50। तो भी हम अब इनके बारे में आपको बताते हैं कि हमें जो हमारी BS2, BS3 और BS4 और BS6 गाड़ियों में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो भी जो हमारी BS2 और BS3 गाड़ियाँ आती हैं और BS4 तक जो गाड़ियाँ हैं हमारी, उनके अंदर हमें, जैसे हम ये जो हमारा हॉट ब्रांड है माइको कंपनी का हम ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि हम लगातार ये लगा लो आप 200 से 250 लीटर ऑयल हम यही लेते हैं भाई, जो कि एक महीने की कॉस्टिंग आती है हमारी, एक महीने में 200 से 250 लीटर। जो ज़्यादा सेल किया जाता है हमारे पास वो, क्योंकि BS4 और 3 गाड़ियाँ अभी ज़्यादातर है यहाँ पर, तो उनमें हम माइको 20W50 का ही ऑयल यूज़ करते हैं और बेस्ट ग्रेड है भाई, बेस्ट जहाँ तक हमने आज तक यूज़ किया। उसके लिए हमने साथ में कोई मतलब ज़्यादा बैम सा कर लेता भाई, उसको हम कैस्ट्रोल 20W50 देते। ये दोनों तो ऑयल हो गए भाई जो हमारी BS3 और BS4 गाड़ियाँ होती हैं, और ये भी इसी में आ जाता भाई HP कैस्ट्रोल माइको। आप इन तीनों तेलों को जो कि 20W50 BS3 और BS4 गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं भाई, यूज़ तो आप इनको भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पर्सनली यूज़ किया है ये तेल 20W50 की ही ग्रेड हमने यूज़ किया, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है भाई इसका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। इसके अंदर हम भाई, जैसे हमारी जो भी BS3 और BS4 गाड़ी है, इनके अंदर ऑटो के अंदर आता भाई 1700 ऑयल, और हम 1700 ही ऑयल डालते हैं, हम 1.5 लीटर तेल नहीं डालते भाई, हम 1700 ही ऑयल डालते हैं, और गाड़ियों में ऑयल कम करने की समस्या बहुत कम रहती है, क्योंकि 20W50 हो गया भाई। और अब बात आ जाती है भाई जो हमारी CNG, LPG और जो हमारी BS6, जैसे जो हमारे डीजल के अंदर गाड़ी है BS6, उन गाड़ियों के अंदर हम जो माइको टर्बो 15W40 API CH4 SG की ग्रेड है भाई। जो ये ग्रेड क्या होती है, जैसे हमारे टाटा एस गाड़ी आती है, छोटा हाथी वगैरह बोलते हैं जिनको, उन गाड़ियों के अंदर जो ग्रेड यूज की जाती है वो API CH4 की ग्रेड होती है। और इसके लिए हमें ये 20W50, मेरी जो राय रहेगी, मैं पर्सनली अपनी राय से ही आपको बता रहा हूँ, मेरी जो राय रहेगी वो राय ये है कि आप 20W50 जो हमारी CNG गाड़ियाँ हैं उनके अंदर आप नहीं यूज़ करें, क्योंकि इनका गियर का और इंजन का ऑयल सेम होता है, और 20W थोड़ा सा मोटा तेल आ जाता है, ये आपकी गाड़ी के लिए ठीक नहीं रहेगा। आपने वहाँ पर 15W40 API, ये आपने ज़रूर देखना भाई, API CH4 की ग्रेड आपने लेनी है। और अब बात आती है भाई ओरिजिनल की क्या पहचान होती है। पहली फर्स्ट इज फर्स्ट, अगर आप यहाँ पर डब्बे पे ही हाथ लगाते हो ना, यहाँ पर इसकी फिनिशिंग से ही पता चल जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, फर्स्ट इज फर्स्ट तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने ओरिजिनल तेल कहाँ से लेना, जैसे आप पैकिंग खोलते हो, जैसे आपने, मैं इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ, खोली तो यहाँ पर कंपनी की आपको मोर मिलेगी, स्टेप दूसरा स्टेप ये होता भाई। तो भाई ये दो स्टेप तो ये हो गए,
और डी तो भाई इनमें भी आ सकता है, जब बंदा डब्बा बनाएगा तो सील भी दे सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए आपने जो एक बहुत ही बेस्ट कदम होता है एक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर के लिए, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते भी ऑटो ड्राइवर के पास कि वो बार बार महंगा तेल ले सके, वो एक बार में ओरिजिनल कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आपने क्या करना भाई, जैसे ये माइको कंपनी है जहां से डायरेक्ट आता है, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है वहां से हम ये ऑयल लेते हैं, हम कहीं से भी तेल नहीं लेते किसी होलसेलर से या किसी से। जैसे ये कहीं पे कंपनी से बना और हमारे यहाँ हरियाणा जींद में जो डिस्ट्रीब्यूटर है डायरेक्ट हम वहीं से लेंगे इस तेल को, तो हमें ओरिजिनल मिलेगा। ऐसा ही इसमें है भाई, अगर जो स्पेशल सर्वो का मैन डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है आपके सिटी में, आपने वहीं से लेना पड़ेगा भाई। एचपी का भी यही चक्कर है भाई, और कैस्ट्रोल का भी और माइको का। जैसे हमें ये ज्यादातर तेल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जहां से ये तेल आता है वो हमारे जींद में जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, हम वहीं से इस तेल को लेते हैं। और इससे क्या बेनिफिट रहता है, एक तो ये ओरिजिनल हो गया भाई, ओरिजिनल ये हो गया क्योंकि डायरेक्ट ये हमारे पास ही आया और इसकी ग्रेड भी सही है, तो हम इन गाड़ियों में यही तेल यूज करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो हमारी सीएनजी गाड़ी है उसमें BHW 40 और आपने जरूर चेक करना भी API CH4 की ही ग्रेड यूज करनी है, और BS3 गाड़ियों के लिए BS4 के लिए BHW 50 आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए।